Hello kids, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST class. So, in the previous class, class 7, we were discussing about the lesson 1 of geography, that is the environment in its totality. As a whole, हम लोग environment को देख रहे थे. हम लोग ने environment के बहुत सारे aspects को देखे, like aspects of environment, जैसे हम लोग ने living, biotic, abiotic environment, ये सब देख ले. Ecosystem क्या है, ये समझे हम लोग ने. Environment क्या है, ये समझे. आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बेटा, टुडे द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इज द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और नेचुरल एनवायरनमेंट ने हम लोग ने लिविंग और यू कैन से बायोटिक और अबायोटिक एस्पेक्ट्स, यानी कि उसके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हम लोग देखे थे. तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. नाउ फिजिकल कंपोनेंट्स आर दोज दैट हैज मास और हम लोग को आंखों से दिखाई दे, और इट कैन बी नॉन लिविंग ऑल्सो. इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग बायोटिक और अबायोटिक दोनों लिविंग और नॉन लिविंग ही हैं, और ये फिजिकल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है. और यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स में और क्या क्या चीजें आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बना है. उनमें से जो है सबसे पहला बेटा लिथोस्फियर है. फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री बोर्ड कैटेगरीज, दैट इज लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर. तो हमारे जो यू कैन से नेचुरल एनवायरनमेंट के जो फिजिकल कंपोनेंट्स है उनको हम लोग थ्री बोर्ड कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कि लिथोस्फियर है, हाइड्रोस्फियर है एंड एटमोस्फियर. सो लिथोस जो वर्ड है इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रॉक, पत्थर. ठीक है, रॉक्स आर द मेन मेटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट. सो हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ आगे पढ़ेंगे बाद में. सो इफ यू सी अर्थ, सो अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, कोर, एक आता है बीच में मेंटल एंड क्रस्ट. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, बीच. तो जो ये क्रस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो क्रस्ट होता है बेटा, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फियर बोलेंगे. इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फियर बोलेंगे. और इसका जो मेन मटेरियल्स, ये क्रस्ट में पाए जाने वाले मेन मटेरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स है बेटा. सो हमारा लिथोस्फेरिक जो सबसे ऊपर का परत बना है, सरफेस बना है, एक लेयर बना है, वो रॉक से बना है. तो क्रस्ट का मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स क्या होता है, रॉक्स. मेड अप ऑफ मिनरल्स फाउंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अर्थ. सो ये जो लिथोस्फियर है ये किससे बना है, मिनरल्स से बना है, जो कि हमारे अर्थ के अंदर से भी हो सकता है एंड एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे मिनरल्स से बना है हमारा लिथोस्फियर, जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर से भी बना है, निकला हुआ मिनरल्स है, या एट द सेम टाइम वो सरफेस में भी पाए जाने वाले, एक्सटीरियर अर्थ के सर्फेस में पाए जाने वाले मिनरल्स से भी बना है हमारा लिथोस्फियर. On the earth surface and as well as on the sea floor, landforms are formed by the disintegration of rock. So if you talk about for example, this is your land surface and this is your water, okay, this is your sea, or you can say water body. So this is a land. थोड़ा यहाँ पे थोड़ा, ठीक है. So this जो surface का बात कर रहे हैं हम लोग, ये surface का जो बात कर रहे हैं, ये भी disintegrated rock से बना है. Disintegrated rock से बना है, ठीक है. The surface of the earth is also made up of disintegrated rock as well as the ocean floor. समुद्र यहाँ पे सी है, तो इससे सीधा नीचे जाएंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी फ्लोर, समुद्र की जमीन नीचे डेप्थ में. तो ये स्ली फ्लोर भी डिसइंटीग्रेटेड रॉक से ही बना है. सो नाउ व्हाट डू मीन बाय डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है ब्रोकन, वेदरिंग मतलब एक प्रोसेस होता है जो हमारे रॉक को क्या करता है, तोड़ देता है, और वो क्या बन जाता है, एक सोयल बन जाता है. तो इसी तरीके से हमारा लैंड बना है एज वेल एज सी फ्लोर, भले ही ऊपर में ये क्या है, सी
पानी से भरा हुआ है लेकिन उसके नीचे जमीन तो है, तो वो भी किससे बना है? डिसइंटीग्रेटेड रॉक से बना है, ठीक है। सो एक प्रकार से देखा जाए तो लिथोस्फियर मतलब यू कैन से एक पॉइंट हम यहां पे ऐड कर दे, लिथोस्फियर यू कैन एक पॉइंट बोल सकते हो लिथोस्फियर को कि ऑल दी यू कैन से लैंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस में जो भी लैंड जितने भी मिट्टी पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिथोस्फियर बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज लिथोस्फियर। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट विल बी सेकेंड डोमेन, दैट इज द हाइड्रोस्फियर। इट इज द डोमेन, ये ऐसा जगह है जो किससे भरा हुआ है? वॉटर से भरा है, विच कंप्राइजेस थ्री फोर्थ ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि वी ऑल नो If we divide our earth in four equal parts, one part will be land and these three parts will be water. These three parts will be water. So you can say 3/4 kya hai? Water. Water is 3/4. Yani ki comprises 3/4 of earth surface. Hamare earth surface ka यदि हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे हमारे अर्थ को चार भागों में, तो उन चार भागों में जितने भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है थ्री पार्ट में, दैट इज 3/4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर दीज इंक्लूड्स ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। तो यानी कि हाइड्रोस्फीयर में हमारे अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज पाए जाते हैं वो सारे वॉटर बॉडीज किस में गिने जाएंगे? हाइड्रोस्फीयर में गिने जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इंक्लूड्स ओशन, समुद्र, महासागर, लेक्स, तालाब, झील, नदियां, जैसे कि इवन तुम लोग का यहां पे देखा जाए तो इसमें ही हम लिख देंगे स्नो जो होता है, माउंटेनियस स्नो कैप्स जो कि एज अ वाटर ही लेकिन वो स्नो के फॉर्म में स्टोर्ड है, ये सारा चीज हाइड्रोस्फीयर में आता है क्योंकि वो पिघलने के बाद वाटर हो जाता है। Oceans and seas have saline water, यानी कि saline मतलब salty, saline water होता है, whereas rivers and ponds have fresh water. That means these waters of rivers and ponds are used for drinking. Underground water भी होता है जमीन के नीचे, सबको पता है तुम लोग के घर के सब में, everyone has wells. Mostly people living in the plain areas, they have tube wells, motors, hand pumps. ये सारा water कहाँ से आ रहा है? Underground water से आ रहा है जो कि हमारे surface के सतह के नीचे बराबर नीचे चलता है, और ये सब किस में आता है? Hydrosphere में आता है। This is the sphere of water. Lithosphere, sphere of land. अब एक आता है atmosphere. Atmosphere is a domain, you can say it is a blanket of air. एटमोस्फियर क्या है? एयर, हवा है, हवा जो वी कैनॉट सी बट वी कैन फील। एटमोस्फियर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। सो एटमोस्फियर एक परत है, जैसे कि हम लोग ने वाटर में देखे वैसे ही हम लोग अगर इफ यू टेक दिस अर्थ, नाउ दिस अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, सॉरी ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से सराउंड किया गया है हमारे अर्थ को, ठीक है। सो इट इज हेल्ड टू द सर्फ, इट इज हेल्ड टू द सर्फेस बाय द अर्थ विद अर्थ बाय द ग्रेविटी। तो यानी कि हमारे जो ये तुम लोग जो एयर जो सोच रहे हो, तो तुम लोग सोच रहे हो कि सर कि एयर जो है अब कैसे हमारे अर्थ में बसा है, ठीक है, हमारे अर्थ में कैसे हमारा ये एयर मतलब बसा हुआ है कि इट इज हमारे अर्थ को कैसे सराउंड कर रहा है। तो तुम लोग ध्यान समझो कि जो ए हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारा अर्थ का जो पुलिंग एक नेचर होता है बेटा, एक पुलिंग नेचर, दैट मींस किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, गुरुत्वाकर्षण या कुछ ऐसा ही बोला जाता है हिंदी में। सो उस फोर्स से वो एयर को क्या करता है? ये टाइटली पैक करके रखता है, यानी कि अपने साथ सटा के रखता है, इट मेक्स देम स्टिक।
जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो वाई आई एम स्टैंडिंग, बिकॉज अर्थ अपना ग्रेविटी पुल कर रहा है, पुल है, पुलिंग फोर्स है, जो जिसकी वजह से हम अभी यहाँ पे नहीं गिर रहे हैं। नहीं तो अर्थ गोल है, हम कहीं पे भी गिर सकते थे। यस और नो? वी कुड हैव फॉलन। सो दैट्स व्हाई ग्रेविटी जो होता है एक कूलिंग पावर रहता है बेटा, जो हमारे अर्थ में जितने भी एटमोस्फियर है उस चीज को, यानी कि हवा जितने भी है, एयर जितने भी है, उसको समेट के रखता है हमारे अर्थ के साथ सरफेस पे। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78.3% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे अबंडेंट मात्रा में हमारे अर्थ में सरफेस में पाया जाता है, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन 78% टू 20.99 अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 0.98 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और अदर गैसेस पाए जाते हैं। देयर आर वेरियस गैसेस जो कि वेरी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो लाइफ गिविंग गैस जो बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन, वो केवल 20.99% है, और नाइट्रोजन इज फाउंड एबंडेंटली, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे एटमोस्फियर में पाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, सिंपल है। सो नाउ अब एक चीज जो होता है तुम लोगों को यहां पे समझना पड़ेगा, बायोस्फीयर, एक और पॉइंट है बायोस्फीयर। ये एक नैरो जोन है ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। सो इन दिस अर्थ, सो एक बायोस्फीयर एक जोन होता है जहां पे लैंड एयर एंड वाटर मिलके क्या करता है, इट सपोर्ट्स लाइफ, ये लाइफ जीवन संभव बनाता है। विदाउट, ओनली इफ देयर इज ओनली एयर देन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, इफ देयर इज ओनली लैंड एंड देयर इज लाइफ इज नॉट पॉसिबल, इफ देयर इज ओनली वाटर लाइफ में भी, बट वाटर कैनॉट बी होल्ड, वी कैनॉट होल्ड वाटर। यस, वाटर को होल्ड करने के लिए वी नीड अ वेसल, जैसे कि अर्थ होल्ड कर रहा है। सो एक प्रकार से देखा जाए तो जहां पे लैंड एयर वाटर एक का एमलगम होता है या मिक्सर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इवन अ टाइनी इवन स्मॉल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज फाउंड इन दिस अर्थ इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, बिकॉज लाइफ किसकी वजह से सपोर्ट है, एयर, लैंड एंड वाटर, ये तीनों चीज जब मिलते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या संभव है, लाइफ इज पॉसिबल। सो इसलिए जितने भी इस तीनों के अंतर्गत में आते हैं, इंटरेक्शन में आता है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ ए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इट इज प्रेजेंट अबव, बिलो एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द थ्री डोमेन्स इंटरैक्ट। वही बोल रहे, या तो वो सर्फेस के नीचे भी हो सकता है, ठीक है, या अबव द सर्फेस भी हो सकता है। यू कैन फाइंड लाइफ बिलो द अर्थ ऑल्सो, सर्फेस के नीचे, अबव द सर, हम लोग सर्फेस के ऊपर जी रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये होना जरूरी है, जहां पे तीन डोमेन्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, एटमोस्फियर एयर एंड लिथोस्फियर लैंड, ये तीन का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो दैट वॉज अभी तक, यहां तक जो भी हम लोग ने पढ़े थे, इट वॉज ए पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट था, ये जितना ये पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब सर बोल रहे नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल कॉम्पोनेंट्स एंड द पीपल इन the given area gives rise to human environment. एक संबंध है इंसान का, मानव जाति का एक संबंध है किसके साथ, natural environment साथ। जितने कुछ भी हम लोग ने पढ़े अभी, biosphere, hydrosphere, lithosphere, ये सब जितने भी पढ़े, and उसके साथ हमारा क्या है, एक संबंध है हमारा ये अर्थ को नेचुरल फिजिकल कंपोनेंट के साथ, लैंड एयर एंड वॉटर के साथ, ये एक रिलेशनशिप है जिसमें हमारा पीपल जब एक एरिया दिया जाता है वहां पे एक ह्यूमन इन्वायरमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कि हम लोग ने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि यू कैन से लैंड है, देयर इज अ लैंड। ठीक है, अब लैंड एक नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, यू विल गेट वाटर और उसके बाद एयर इज दैट इज नीडेड फॉर लाइफ।
तो जब लैंड मिल जा रहा है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इंसान क्या करेंगे, मिलजुल के उसमें काम करेंगे, तो वहां पे ह्यूमन एनवायरनमेंट राइज होता है। जैसे कि पीस ऑफ लैंड, उसमें किसान क्या करेंगे, यहाँ पे पीस ऑफ लैंड में दे विल डू कल्टीवेट, कल्टीवेट द लैंड, ठीक है, दे विल कल्टीवेट द लैंड। एंड कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, वी नीड वॉटर, यहाँ पे और क्या चाहिए, वॉटर। जब जमीन मिल जाएगा वी विल बिल्ड हाउसेस, जब जमीन मिल जाएगा हम लोग क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है, सोसाइटी बनेगी। लेकिन ये सारा चीज कैसे हो संभव होगा, जब तक हम लोग को फिजिकल इन्वायरमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जितने की हम लोग बोल रहे हैं, विदाउट फिजिकल कंपोनेंट्स वी कैनॉट मेक अ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एक चीज सिंपली मैं बोल रहा हूं, विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट, और यू कैन से विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट, विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इन सब के बिना ह्यूमन एनवायरनमेंट पॉसिबल नहीं है। टू मेक अ सोसाइटी वी नीड द हेल्प ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टू मेक स्ट्रक्चर्स हम लोगों को क्या चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट। सो एवरीथिंग हम लोगों को क्या चाहिए, सोसाइटी बनाने के लिए भी हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पे लिख रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, PE मतलब होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, मेक श्योर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सो स्ट्रक्चर्स के लिए भी फिजिकल एनवायरनमेंट का हेल्प चाहिए, एवरीथिंग, एग्रीकल्चर, जितने भी चीज हम लोग को चाहिए उसमें क्या चाहिए, फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, विदाउट इट इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या करता है, कि ह्यूमन जो होता है इंटरैक्ट करता है, मैं बार बार विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट टू सूट देयर नीड्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए हम ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल के उसमें से जितनी भी चीज हम लोग को मिलता है उसको मॉडिफाई करते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है, जरूरतों को पूरा करता है। फॉर नाउ वी आर लिविंग इन अ हाउस, टू मेक अ हाउस वी नीड अ रॉक लाइक मटेरियल्स लाइक आयरन, यस, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, मेनी थिंग्स। तो ये सारा चीज हम लोग को कहां से मिलेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलेगा, या फिजिकल एनवायरनमेंट अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट वहां से मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये समझना कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल एग्रीकल्चर करने के लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारा चीज ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन हम लोगों को ये सब चीज कहां से मिलेगा, नेचर से ही मिलेगा, लाइक बिल्डिंग ऑफ मैनमेड स्ट्रक्चर्स, डैम्स, रोड्स, ये सब चीजें बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो ये था हम लोगों का नेचुरल एनवायरनमेंट। बट अब देखो, जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इज बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हम लोगों को एक चीज ये है कि वी ऑल आर ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, हम लोग नेचर से इतना कुछ दे रहे हैं कि हम लोग आज के दिन में इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि एक बैलेंस बना रहता है नेचर में, कितने चीजें कितनी होनी चाहिए। आज के दिन में यू आर सीइंग पॉल्यूशन, ये सब चीजें जो देख रहे हो, ये सारा किसकी वजह से आया है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो था वो बिगड़ रहा है, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए वो कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, विदाउट दिस बैलेंस हम लोगों का नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन के बीच में जो एक रिलेशन है वो धीरे धीरे टूटते जाएगी। तो इफ एनी
वे इम्बैलेंस ऑकर्स, नेचर रिस्ट्रक्चर्स एवरीथिंग टू सेटल अगेन। तो जब किसी प्रकार के इम्बैलेंस आता है तो नेचर कोशिश करता है कि उसको फिर दोबारा से बनाए, लेकिन आज के दिन में इतना ना लोग यूज कर रहे हैं बेटा कि नेचर अपने आप में वो एक क्षमता होता है कि दोबारा से बनने का, ये मौका भी उनको नहीं मिल रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है। बिकॉज आज के दिन में ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से वी आर नॉट ओनली किलिंग द नेचर, वी आर किलिंग आवर सेल्स। एंड मीन्स हम लोग नेचर को मार रहे हैं तो हम लोग खुद को मार रहे हैं। पीपल क्या करते हैं, दे कट द ट्रीज, बट बिफोर कटिंग द ट्रीज यू शुड नो दैट यू आर कटिंग अ पार्ट ऑफ योर लंग्स, ठीक है, बिकॉज विदाउट ट्रीज दिस लंग्स इज यूजलेस। Why? Because if you won't get any kind of oxygen, then why is your lungs here? जब lungs तुम्हारे यहाँ पे है, पेड़ वहाँ काट रहे हो, तो you can say, तो lungs है तो पेड़ है, पेड़ इसलिए है वो oxygen दे रहा है, इसलिए तुम्हारे lungs काम कर रहे हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, trees ही नहीं रहेंगे, तो ये lungs का क्या काम है? So that means you should remember this, ये थिंग दिमाग में याद रखना है आप लोगों को, कि जब आप लोग पेड़ काट रहे हो तो समझो कि आप अपना आधा फेफड़ा काट रहे हो, सिंपल। बायोडाइवर्सिटी एक चीज है बेटा, बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी तुम लोगों को मैं एक पिक्चर के जरिए दिखाऊंगा, सो यू कैन सी दिस इज द इमेज बायोडाइवर्सिटी। You can see various animals, different types of life forms. Sloth से लेके, टाउखन से लेके, chimpanzees, apes, there are various birds, zebras, rhinoceros, chameleon, frogs. Look, you can see flying, some are land, some are pandas. So you can see various types of life forms. Bio एक प्रकार से होता है, it's life, और diversity means You can say variety. तो life form में जो variety आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, diversity. Not only that, you can see not only animals, you can see different types of plants growing out here. Plants is also a type of life. वो भी एक diversity लाता है बेटा, ठीक है। तो you understood what is biodiversity का एक example, देख लियो image से। So that is biodiversity, okay? So biodiversity is the variety of life forms at all levels of the planet. हमारे planet में जितने भी levels है, air, water, land, forest, जितने भी प्रकार के life आते हैं वो हम लोग biodiversity में गिनते हैं। It influences the ecological balance as well as the evolution process. ये जो क्या करते हैं बेटा, हमारे environment या ecosystem का balance बना के रखता है। कल के दिन में एनिमल्स कम, कल के दिन में फॉरेस्ट कम हो जाएंगे बेटा, तो एनिमल्स भी कम हो जाएंगे। सो हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल, डायनासोर्स जो थे वो हमारे अर्थ में बहुत साल पहले, बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स साल पहले रहते थे, वो डिसअपियर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, बिकॉज वो लोग उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए, वो बैलेंस नहीं बना पाए अपने आप और एनवायरनमेंट के साथ। सो इट्स अ सेइंग, आई डोंट नो व्हाट वाज, सम से मीटियर हिट द अर्थ, देयर आर वेरियस थ्योरीज कि डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए। सिंपली कहा जाए तो वो लोग एक बैलेंस बना के अपने और इन्वायरमेंट के साथ नहीं समा पाए, ठीक है। इन प्रेजेंट देखा जाए तो मेनी एनिमल्स आर ऑल्सो इंडेंजर्ड, आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से इस पृथ्वी के नक्शा से मिट जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना। यानी कि आज के दिन में भी, प्रेजेंट टाइम में भी, हमारे अर्थ में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जैसे लायन, टाइगर्स, ये सब क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे बीच में जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो नेचर है उसके बीच में जो एक तालमेल, जो एक बैलेंस बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। यहाँ पे इंसान नेचर के ऊपर भारी पड़ रहा है और नेचर क्या हो रहा है, कमजोर होते जा रहा है, जो अपने आप में वो दोबारा से अपना जो एक नेचर का एक फर्टिलिटी बोला जाए, नेचर जो अपना गुण होता है वो दोबारा से रिगेन नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, नेचर, एवरीथिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, आर वी दैट इविल? ह्यूमन बींग्स आर दैट इविल? उतने शैतान है हम लोग कि हम लोग को पता है कि नेचर और इन्वायरमेंट हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, उसके बावजूद भी वी ऑल आर डिस्ट्रॉइंग इट। सो इट इज द राइट टाइम
to conserve our environment. Even if we are not able to conserve our environment today, then nothing can happen. We will have to face various problems in the coming years. So that's why आज के दिन में एक चीज का बात बहुत जिक्र किया जाता है, that is conservation. जिक्र ही किया जाता है लेकिन mostly they are not followed. ये बहुत ही important, crucial needs है. आज के दिन में ये बहुत जरूरी चीज है कि ऐसा चीज है कि आज के दिन में हम लोग को conservation इसलिए चाहिए कि हम लोग अपना environment और हमारे balance बना सके. किसका? Ecosystem का. It is one of the crucial needs in today's time to protect our environment and balance our ecosystem. आज के दिन में जितने भी परेशानी आ रहा है, जितने भी problems आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि imbalance बन रहा है. For example, तुम लोग एक picture दिखा रहे हैं हम यहाँ, photo. What do you see? This is deforestation. देखो कितने पेड़ काटे जा रहे हैं. That means the more we cut the trees, the level of oxygen will decrease. जितने पेड़ पौधे हम लोग काटेंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होते जाएगा. तो जितना डिक्रीज होगा ऑक्सीजन उतना ही क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगा. नॉट ओनली दैट, वॉट जैसे कि आज के दिन में यू आर विल बी फेसिंग वॉटर क्राइसिस. बारिश नहीं हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, हम लोग सोच रहे हैं. तो वाई? बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस आ रहा है. जो नेचुरल वे में हमारा सीजन्स एंड हमारा क्लाइमेट चल रहे थे, चेंज हो रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में, जो कि हीट ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल क्या हो रहा है, गर्म हो रहे हैं. एंटार्क्टिका में कभी नहीं पिघलने वाले बर्फ पिघल रहे हैं. सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे छोटे छोटे आइलैंड्स खतरे में डूबने के. सो वाई इज इट ऑल हैपनिंग? बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज वी ऑल आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर. तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रोटेक्ट आवर नेचर. सेव मदर अर्थ, देन ओनली वी कैन सेव आवर सेल्व्स. जब तक हम लोग अर्थ को नहीं बचाएंगे, तब तक हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाए. चलो ठीक है, आज के 100 साल तक हम लोग जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा? सॉरी आई एम बीइंग टू एग्रेसिव, बिकॉज ये ऐसा ही टॉपिक है. ठीक है, सो कंजर्वेशन के लिए वी शुड नो दैट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज आर वेरी हार्मफुल एंड इट नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट. हमारे देश में अब देखो, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगे तो जीवन भी संभव नहीं होगा, आज के दिन में नीड्स भी नहीं होगा. तो एट द सेम टाइम जब हम लोग वाटर डिस्पोजल करेंगे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. इंडस्ट्रीज से जो वाटर फेंके जाते हैं उसको मतलब ब्लीचिंग करके या उसमें जितने भी हो सके इम्प्योरिटीज किल करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको वेस्ट मतलब डिस्पोज करना पड़ेगा. नहीं तो ये बहुत हार्मफुल होता है बेटा. जब ये पानी में जाएगा, ये वाटर, मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, ये सारे चीजों को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. सो मरीन लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जल में रहने वाले जीवन. ठीक है, हम लोगों को बैलेंस बनाए रखना है. वी मस्ट करेक्ट आवर एक्शंस एंड मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन नेचर एंड मैन. हम लोग अपने जो हरकतें हैं उसमें सुधार लाना पड़ेगा. और जो ये डेलिकेट नाजुक सी एक जो एक बैलेंस बन के रखा है नेचर और इंसान के बीच में, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू प्रिजर्व इट, बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो खत्म. फॉर एग्जाम्पल, चेक पॉल्यूशन बाय यूजिंग इको फ्रेंडली ग्रासेस, जूट बैग्स यूज करना, प्लास्टिक्स का यूज कम करना. तो तुम लोग देख सकते हो इंडस्ट्रीज, यू कैन सी एग्जाम्पल यहाँ पे, यू कैन सी द स्मोक्स दैट हैज बीन एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज. देख सकते हो कितना तुम लोग देख रहे हो कि ये गैसेस कितने हार्मफुल होंगे. हवा में रहने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हम लोगों को एसिड रेन्स, लंग डिजीजेस, ये सारी चीजें क्यों हो रहे हैं आज के दिन में? बिकॉज वी ऑल आर डूइंग दिस, दैट्स व्हाई. एफोरेस्ट्रेशन एंड चेकिंग पोचिंग, एफोरेस्ट्रेशन एंड चेकिंग पोचिंग. Afforestation means we have to plant more and more trees. We all are cutting trees too much, but we are not growing. If we cut 10 trees, we have to grow at least 50 trees. Jisme 50 mein se at least 30 to bachenge. Checking, poaching, yani ki animals ko hunt kiye ja rahe for their skins, for their tusk animal ke, jaise ki elephant ke kya, rhinoceros ke horns ke liye, they are being killed because
animals are a part of our ecosystem. They keep balance in the nature. Ecosystem में balance बनाए रखते हैं. जब balance बनाने वाले चीज ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? We need to grow more trees to check air pollution. Air pollution हटाने के लिए क्या करना चाहिए? Trees. Not only for air pollution in hilly areas, landslides से बचाने के लिए, soil erosion को बचाने के लिए, we need plants. Deforestation is reason for more air pollution and rising cause of less rainfall. आज दिन में बारिश वगैरह जो भी हो रहा है, ये deforestation की वजह से हो रहा है. Deforestation यानी कि trees attracts rainfall. ये सब चीजें याद रखना चाहिए तुम लोगों को. Protection laws should be made to protect animals from hunters and poachers. Hunters जो एनिमल के खाल के लिए शिकार करते, लायन का शिकार करते, टाइगर को शिकार करते, या कोई अपने मस्ती के लिए शिकार करते, ये लोगों के लिए लॉज तो बनाए गए, लेकिन इट शुड बी फॉलोड एंड इट शुड बी स्ट्रिक्ट, सो दैट बाय इफ योर लाइफ मैटर्स देन देयर लाइव्स मैटर टू. वो लोग का भी जीवन का महत्व है. तो इसीलिए वी हैव टू मेक सर्टन मोस्ट accurate laws and strict laws so that the animals can also be protected. We say wildlife sanctuaries, theek hai, you can say zoos, you can say many things. Bird sanctuaries has been made, theek hai, biosphere reserves banaye gaye hai ye sab ke protection dene ke liye, even though we can see people are killing it. So we have to take strict measures because they are a part of our environment. Jitna hum log apna jaan mahatva पूर्ण लगता है, हमारे जीवन महत्व लगता है, वो लोग का भी एक जीवन है. Why? Because they are also a part of our ecosystem. जब वो लोग बैलेंस बना के रखते हैं तो हम लोग बैलेंस बिगाड़ रहे हैं. तो दे डिजर्व मोर टू लिव इन दिस प्लैनेट अर्थ. इट्स नॉट ओनली आवर होम, इट्स देयर होम्स ऑल्सो. यू कैन सी द पिक्चर आउट हियर, सी दिस इनोसेंट एनिमल राइनोसोरस, इट हैज बीन किल्ड. यहाँ पे एक इसका एक सींग होता है ऐसे, यस देखो अब एक्यूरेट ट्राइनोसोरस बन गया तुम लोग बेचारा. देखो दे हैव बीन किल्ड फॉर दिस हॉर्न. लुक यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज शुडंट बी शोन बट आई एम फीलिंग सैड टू शो, बट यू कैन सी दिस पिक्चर्स. दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, सो नॉट कंट्री, ऑफ आवर आवर जेनरेशन. हमारे युग में ये हाल है एनिमल्स के साथ. हम अपने लालच, हम अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से हम लोग वी आर किलिंग द इनोसेंट्स, जो कि दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स, यू कैन सी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काट रहे हैं यार, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, एनिमल्स कैन नॉट स्पीक लाइक अस. हम लोग थोड़ा दिमागदार है, दिमाग वाले हैं, तो इफ दे कैन नॉट स्पीक दैट डजंट मीन कि वी विल एक्सप्लॉइट देम. They also have the right to live in this planet Earth. So, this is the future. Everyone look at this picture. This is the future. If you grow, if you learn from the mistakes, and if we plant more trees today, then only we can save our future. Pollutions, plastics ko rokna hai, animal ko bachana hai. Then only hamare future jo hai, acche rahenge aur behtareen rahenge. So, उतना ही नहीं, there is one more important thing, saving resources and energy. हम लोग इतना ना डिपेंडेंट हो गए फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जैसे पेट्रोलियम कोल के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए कि ये एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है कि ये फ्यूल्स जो है आने वाले कमिंग डिकेड्स में खत्म हो सकता है. राइजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोलियम आज के दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वाई? बिकॉज वी आर इन मोर एंड मोर इन डिपेंडेंट, वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दिस फ्यूल्स एनर्जी के लिए. सो इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि कल के दिन में ये क्या हो जाए, खत्म भी हो सकता है. वी मस्ट थिंक फॉर द फ्यूचर, हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है. एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस. हम लोग को आज तो जी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन. भविष्य के बारे में भी सोचना है, आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचना है. आज के दिन में नदियां सूख रही है, तो कल के दिन में जब हम लोग बाल बच्चे रहेंगे फ्यूचर में, तो बोलेंगे पापा नदी कैसी होती है, तो क्या गूगल मैप में दिखाओगे? ये तो गलत हो जाएगा ना. वी हैव टू सेव रिवर्स. रिवर्स मर रहे हैं, एवरी डे दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ आवर मिसडीड्स. हम लोग गलत काम कर रहे हैं, ठीक है. इंडिया में सरस्वती तो सूख गई हजारों साल पहले, अब गंगा भी सुखाना है क्या? पॉल्यूट तो हो चुकी है. So, I hope you all understood. This chapter is not only for studying, beta. This is not only a part of a syllabus. It's a part of your life.
because this is very important for each and everyone to know that our environment, our earth is in danger. So it is our responsibility, it's our duty. There is a saying, with great powers come great responsibility. भगवान ने हम लोगों को बहुत असीमित शक्तियां दी है. वी कैन थिंक, वी कैन टॉक, बट एनिमल्स कैनॉट. सो इट्स आवर ड्यूटी. एक पावर मिला, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. सो वी हैव टू डू इट टूडे और इट विल नेवर हैपन इन द कमिंग फ्यूचर्स. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर. द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर इज नॉट ओनली टू कंप्लीट योर सिलेबस, बट इट्स that you should learn from this chapter that our mistakes can lead us to disasters. Thank you and stay safe, stay healthy.